हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दूध गिर जाने पे वो पूरा खराब जैसे हो जाता है, इस वजह से मैंने वेट भी कर लिया। दिवाली की लगभग मेरी थोड़ी सफाई हो गई है, अब बस मुझे कटिंग हटाने को। थोड़े बहुत सबके धुए थे तो बेड पे रख दी थी टीवी। अब मेरे बच्चे सब देखिए बेड पे ही टीवी देखना शुरू कर दिए हैं। वैसे ही टीवी बेड पे रखा हुआ है, इन लोगों ने चला लिया है, अपना देख रहा है। अभी मुझे इस बॉक्स में से एक कपड़े सब उलेन वाले निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग हमेशा ठंडी ही पड़ती है। तो उसमें मैं अपने हस्बैंड का सारा उलेन का कपड़ा रखती हूँ, वैसे ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उनका कपड़ा उनके मूड के हिसाब से चेंज होता है। जब उनको मन कर दिया तब चेंज करेंगे, तो ढूंढना ना पड़े। क्योंकि उनके साथ क्या है कि उनको होटल में अपना ड्रेस पहनना रहता है, तो बस वो पहन के जाते हैं और फिर आने के टाइम में पहन के आते हैं, तो उनका कपड़ा वैसे गंदा होता नहीं है। तो दो रोज चार रोज पहनेंगे फिर छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं पहनूंगा, दूसरा दीजिए। तो वैसे एक जगह रखने पे ढूंढना नहीं पड़ता है, इसलिए मैं अलग अलग सबका कपड़ा रखती हूँ कि वैसे मुझे दिक्कत नहीं हो। और एक और बात मैं आप लोग को बताती हूँ, अभी मेरे बच्चे सब बाहर हैं, इस वजह से मैं अपना कबर्ड ठीक कर रही थी। ये वीडियो मैंने डाला था कबर्ड में जिस दिन अपना सही कर रही थी, तो उस दिन मुझे ढेर सारे चॉकलेट मिल गए। वो मैं क्या करती हूँ कि चॉकलेट को एक थैले में रखती हूँ कि वो रुद्र का नज़र नहीं पड़े। रुद्र का नज़र अगर पड़ गया तो एक दिन में सारे के सारे चॉकलेट फिनिश कर देंगे। तो इस वजह से तो मैं उनसे छिपा के रखती हूँ कि वो नहीं देखे, और मैं रख के भूल गई थी जब कबर्ड में अरेंज कर रही थी अच्छे से उसमें कपड़े सब, तो जब सारे सामान निकाले तो मुझे मिला थैला। अब मेरी बेटी देख ली, वो बोले मम्मा आप तो
छिपा के रखी थी मैं, नहीं बेटा मैं भूल गई थी। और हस्बैंड से भी डांट पड़ी कि ये चॉकलेट रखती हैं और देती नहीं है, लेकिन सच बताऊँ तो मैं रख के भूल गई थी, उस सब से छिपा के रखने के चक्कर में भूल ही गई थी। देखिए कितने सारे चॉकलेट, लेकिन मेरे बच्चे अभी देख ले तो मुझे एक भी नहीं खाने देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने सारे हैं। वैसे ये बड़े वाले तो इन्होंने मुझे दिया था, लेकिन मैं खाए नहीं थे, ऐसे ही रख दी थी। और ये छोटा वाला बच्चे सबके लिए लेकर आए थे, क्योंकि उन लोगों को अगर बड़ा सा पैकेट मिल गया तो बस उनको फिनिश करना है, इस वजह से इतने सारे चॉकलेट मैं रख के भूल गई थी। और ये डेली बच्चे सबके लिए लेकर आते हैं, अब इसलिए वो कहें कि रखती है देती नहीं है भूल जाती है। अभी मैं ये सबको नहीं दूंगी, इसको फिर संभाल के रख रही हूँ, लेकिन अभी सामने रखती हूँ कि पता नहीं चले, ऐसे उनको नहीं पता है कि मैं थैला में रखती हूँ। अनन्या देखी लेकिन ये नहीं देखी कि हाँ मम्मा अब रखी कहाँ है, वो जिद भी नहीं करती है। मैं इधर छिपा के रखती, उसको याद है कि मम्मा के पास चॉकलेट है, तो आज फिर वो कल एक उसको दिए थे, दोनों ने मिलके खाया था, 10 रुपीज वाला होता है तो हाफ हाफ दोनों खा लेते हैं, आज फिर एक दे दूंगी। और अभी क्या है कि इधर वो मैं देख रही थी, इधर टंकी है ना, तो इधर सप्लाई वाले पानी आते हैं तो वो देखना पड़ता है, वो गिरने लगता है बाहर पानी, इस वजह से वो पानी मैं लेकर आती हूँ खाना बनाने के लिए। आरओ वाला पानी हम लोग पीते हैं, उसे वो पानी फ्रेश होता है, सप्लाई वाला जो आता है तो वो खाना बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश होता है। ऐसे मैं उसको बॉयल करके स्टोर करके रखती हूँ कि अचानक कभी पानी नहीं भी आता है तो फिर सही रहता है, इस वजह से। अभी मैं चल रही हूँ, अब अपना बक्सा का कपड़ा सब सही करने, क्योंकि मॉर्निंग में इनके लिए स्वेटर निकाली हूँ, वैसे ही खुला छोड़ती हूँ, फिर तो उसको सही करके रख दूँगी। और आप सब बताओ, आप सबकी किसकी किसकी दिवाली की सफाई हो गई और किसकी अभी बाकी है। अभी मैं बच्चे सबका रखी हूँ, बुक वगैरह अभी रखी हूँ, बैग धोई हूँ तो अभी सूखा नहीं है, एक ही दिन सारे 3-4 बैग रखी हूँ सबका बैग, तो मैं बुक सब रखती हूँ तो धोती हूँ तो अभी ऐसे ही रखी हूँ, थैला वगैरह में रख के उसको मैं, अब आज सूख जाएगा बैग तो फिर मैं उसमें रख दूँगी। आज मुझे बस वही बक्सा ये है, इसको मैं अरेंज करूँगी और कुछ नहीं, कपड़े वगैरह नहीं है धुलने के लिए ज़्यादा, डेली के कपड़े सब सिर्फ हैं। और मुझे खाना बनाना है, खाना तो लेट से बनाती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, अभी अनन्या की छुट्टी चल रही है तो ब्रेकफास्ट बना देती हूँ तो ये लोग खा लेता है, फिर लो ना दो तो गर्म था, अभी तक तो गिरा रहता है, इनको चाहिए दूध, इनकी दूध
अभी गर्म थी, अनन्या अपने ठंडा करके पी ली है, इसीलिए ये चिल्ला रहे हैं। मुझे नहा के अभी पूजा करना है। आज मैं भी थोड़ा कितना रोज से अभी काम काम चल रहा है ना, तो उस वजह से आज थोड़ा कम काम है, इसलिए मैं भी थोड़ा आराम कर कर के काम कर रही हूँ, लेट की हूँ। क्या हुआ, चम्मच दो तो अनन्या, बाबू का दूध खोलना। मिला छाली? छाली नहीं है बेटा, वो दूध में थोड़ा सा भी गर्म दूध रहता है, ऊपर से हल्का सा छाली पड़ जाता है तो वो नहीं पीता है। थोड़ा भी छाली चला जाए तो वो नहीं पी सकता, नहीं छाली खाता है। गर्म है बेटा? गर्म नहीं है, अच्छे से पकड़ो तो। नहीं घी खाता है, नहीं दही खाता है,